Hello, what's up guys? Welcome back in the gameplay video. And guys, today we are playing Uncharted 4 A Thief's End. तो गाइस लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि सैम और नेथन पहुंचते हैं लिबर्टालिया, लेकिन वहां पे उनका सामना होता है रेफ और उसके गुंडों से, जिसमें हाथापाई होती है और रेफ हमको धक्का देता है और हम नीचे गिरते हैं। हालांकि उस चक्कर में हमारे सिर पे बहुत तेजी से चोट आ जाती है, लेकिन फिर उसके बाद हमको वहां पे मिलती है हमारी वाइफ, हमारी नहीं मतलब नेथन की एलिना, और वो हमारी केयर कर रही है। और अभी ड्रेक जो है वो बेहोश है और वो अभी सपना देख रहा है अपने बचपन का। और बचपन में भी ये दोनों बहुत ही सैदान थे, हर टाइम इनके दिमाग में खुराफात चला करती थी। तो गाइस अभी ये हम आए हुए हैं एक घर में जहाँ पे हमको पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो गाइस हम चलते हैं अंदर, अंदर चलने की कोशिश करते हैं। चल भाई नेथन, अभी नेथन की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है तो सैम हमारा हाथ पकड़ के हमको अंदर खींच रहा है। ठीक है, अंदर चलते हैं विंडो में। अरे यार यहाँ से भी हम नहीं जा पाएंगे, हद। ठीक है, हम थोड़ा ऊपर चलने की कोशिश करते हैं या यहाँ से जंप करते हैं। ओके, अब हमने पकड़ लिया। तो गाइस अंदर चलना चाहिए। चल भाई नेट ऊपर चल, और विंडो जहाँ पे खुली है विंडो से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या क्या स्टफ मिलता है, यानी हिस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। चल भाई नेट अंदर चल। और ये देखो भाई, ये तो पूरा एक गोदाम है जिसमें हर जगह से चीज़ें कलेक्ट की गई है। वो देखो सामने बुद्धा का स्टेचू है और इधर और भी चीज़ें होंगी। ठीक है गाइस बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। सैम यार हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? ओके, तो हम हेनरी एवरी के डिटेल के बारे में जानने के लिए आए हुए हैं। तो देखते हैं हमको यहाँ पे क्या मिलता है। हमको कोशिश करना है कोई जर्नल बुक या इस तरह का कुछ मिल जाए ताकि हम हेनरी एवरी के बारे में पूरी डिटेल ले सके। ठीक है चलते हैं, देखते हैं ये क्या है। माय नेम इज ओके, ये तो कोई और है, हट बे, तेरे ऊपर टाइम क्या वेस्ट करना। ठीक है आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि और हमको क्या मिलता है यहाँ पे। ओ भाई यहाँ तो इतना सारा सामान है कि हमको जल्दी कुछ मिलेगा भी नहीं। ओ भाई देख ले सब, ये तो देख ही चुके हैं हम, ये जर्नल जो पड़ा था, और तो इधर कुछ ऐसा है नहीं। तो ऊपर देख लेते हैं, ऊपर कुछ रखा हुआ है क्या? फिलहाल तो ऊपर रखा हुआ कुछ नहीं दिख रहा है हमको। चल भाई नेथन वापस चल, इधर कुछ नहीं है। तो गैस बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये दरवाज़ा खोल के, ये दरवाज़ा खुलेगा, खुलना तो चाहिए क्योंकि लॉक तो नहीं लग रहा है, थोड़ा सा जाम है। ठीक है पुश, एक बार और पुश। ठीक है ये दरवाज़ा खुल गया है। ओ भाई ये क्या है, ये तो वो ताबूत लग रहा है, वो कॉफिन जो ममीज को रखने के काम में आते थे। ओ भाई ये कौन सी डायनेस्टी के सब पुतले और पूरे सब सिंबल्स और ये सब है। सरकोफगाई कुछ तो होना चाहिए इसमें। ओ भाई रियल मम्मी है, हद है तेरी, मतलब चलता फिरता म्यूजियम है ये तो है? और ये तो कोई पॉट है। ओके जर्नल है। एवेलिन इट्स 9 o'clock ऑन ट्यूजडे मॉर्निंग एयर। ओके फालतू का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी अपने को कहाँ पे चीज़ मिलेगी जो भी हेनरी एवरी से रिलेटेड है। और ये देखो भाई, ये तो समुराई जो वॉरियर होते थे। ओ भाई गन कितने तरीके की लगा रखी है इसने, ये तो हेरा फेरी वाली गन लग रही है, क्या कहते हो? ओ भाई पूरा आर्मर बना रखा है, मतलब आर्मरी सॉरी, और मतलब इसमें क्या है, जस्टिंग आर्मर। ठीक है ऊपर चलते हैं इधर, और इधर कुछ मिलेगा अपने को। चल 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 भाई नेट, इधर क्या है? ये दरवाज़ा एक और है, ये तो लॉक है, तो उधर तो मेहनत करने का फ़ायदा नहीं है। ओके ये भी लॉक है यार। तो गैस नीचे चलते हैं क्योंकि ओ भाई यहाँ से गिरेंगे चोट तो नहीं लगेगी, बेड पे गिरेंगे फिलहाल तो हम। ठीक है बेड पे गिरे, चोट नहीं लगनी थी, सोफे पे सॉरी। और अभी हम
कहाँ एयर वेंट कहाँ है भाई? ओके वहाँ पे एयर वेंट है तो वहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। और ये क्या है? ओ भाई घंटा लगा है यहाँ पे, घंटा। और ये तो कोई कॉमिक टाइप की लग रही है, एडवेंचर लाइट। ठीक है इसको बुक को रख देते हैं। और ये कुछ पेपर पड़ा हुआ है, ये तो जला हुआ है, छोड़ो इसको। ठीक है और यहाँ से ये ओके, ये जो है इसको खिसकाते हैं और थोड़ा सा इधर खिसकाते हैं। ओके अब हमने इसको खिसका दिया है। ये क्या है? ये तो कैमरा है भाई, और पोलराइड वाला कैमरा जो जिसमें तुरंत फोटो निकलती थी। चल भाई आके खींचते हैं एक फोटो। कैसी आई फोटो, कैसी आई मुझे दिखा ना। ओके काफी क्लियर हो गई है और अब हम इसको रख सकते हैं। ठीक है इसको बैक पॉकेट में रखते हैं हम और चलने की कोशिश करते हैं ऊपर। और फिर से क्या करने जा रहा है? ठीक है ऊपर चढ़ते हैं हम और यहाँ से एज के सहारे हम चलते हैं। हाँ भाई नहीं गिरूंगा सैम। और ये एज है। ओके ठीक है बढ़ता रहे भाई नेट फटाफट। और यहाँ पे ड्रॉप करते हैं और चलते हैं इधर की तरफ। और ये जो वेपन्स लटके हैं यार भाई, कुल्हाड़ी कितनी खतरनाक खतरनाक कुल्हाड़ी है। ठीक है और हम वेंट के पास पहुँचने वाले हैं। तो भाई ये एक पहिया लगा है, इसके सारे चढ़ जा रहा है ना निथन, और वो रहा वेंट। तो भाई वेंट के पास तो हम आ गए हैं। और एक ये अलार्म जैसा क्या लगा है? ऐसा ना हो भाई अलार्म और यहाँ पे पुलिस वगैरह आ जाए। ओके ये तो आसानी से खुल गया। ठीक है अंदर चलते हैं और वो दरवाजे खोल देते हैं। ओके और इधर कोई रास्ता वगैरह है? इधर तो रास्ता नहीं है। ठीक है आगे देखते हैं हमको रास्ता मिलता है क्या। चल भाई नेथन ये देखो यहाँ पे लाइट आ रही है तो यहाँ पर से रास्ता होना चाहिए। ठीक है खोल इसको। ओ भाई कस के लात मार, कस के ताकत लगा यार। ओ तेरी, ओ भाई ठीक है हम अंदर आ गए। दरवाजा खोल देते हैं और सैम को भी अंदर आने देते हैं। आजा आजा सैम, दरवाजा खोल दिया है मैंने लेकिन ये वाला तो खुला ही नहीं। ये तो दवा लग रही है मुझे किसी तरीके की, फार्मेसी और पेन किलर्स है, यानी यहाँ पे कोई रहता होगा उसको इसकी ज़रूरत पड़ती होगी। और ये क्या है? ये तो कोई फोटो टाइप की लग रही है। ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे तो पूरा छोटा सा हॉस्पिटल टाइप का बना रखा है, हद है। और ये देखो अपने को की मिल गई है और की से अब हम दरवाज़ा वो खोल सकते हैं। चल भाई नेट वो दरवाज़ा खोल चल के फटाफट, और ताकि सैम भी अंदर आ सके। चल भाई खोल दे दरवाज़ा, आ जा सैम। ना अभी तक तो कुछ नहीं मिला। ओके ठीक है देखते हैं कि क्या मिलता है अपने को यार। और एक और दरवाजा था जो लॉक था तो इसको खोलने की कोशिश करते हैं। चाबी से खोल भाई नेथन, क्योंकि जो चाबी मिली थी उससे खुल जाएगा। ओके और ये तो एक और कलेक्शन है बहुत ही बड़ा। और इस डब्बे में क्या है? मिल जा भाई बुक कैसेंड्रा। ओ भाई सब कैसेंड्रा, यानी कैसेंड्रा नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है यार। This is it. ओ भाई ये तो इसकी मदर है शायद, जिस राइटर जो है कैसेंड्रा वो इसकी मदर है। और ये कौन सी बुक है देख लेते हैं। चल भाई जल्दी से खोल इसको, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। ओके ये जर्नल है पूरा, एवेलिन बॉट ए फर्स्ट एडिशन जनरल हिस्ट्री ऑफ द पायरेट्स फ्रॉम कलेक्टर अलोंग द स्टैक ऑफ 18th सेंचुरी। ओके ये कुछ मुझे लग रहा है कि ये अपने काम का, ये रहा हेनरी एवरी। ठीक है ये जो है अपने काम का है।
यहाँ पे हमने वो बुक यानी वो जर्नल मिला है और जो हमने और ये बुक तो मैंने कभी पहले देखी नहीं थी और ये इनकी मॉम की हैंडराइटिंग है। ओ भाई ये बुढ़िया कहाँ से आ गई? ओ आंटी गन रख दो, कोई नुकसान नहीं करना चाहता ना, तुम मुझे करो। ठीक है ले ले, देता हूँ देता हूँ, कोई पागलपंथी मत करना। ये ले आंटी। और अब तो हमको जाने दे, दे दिया तेरा जर्नल तुझे, किस चीज का वेट करेंगे? ओके ये हमको पुलिस को हैंड ओवर करना चाहती है। ओ भाई ये तो गोली मार देगी यार, लोड कर ली गन इसने, बड़ी कमीनी है। कुछ ज्यादा ये लिटरेचर वाली बातें नहीं कर रही है कि जो करोगे वो भरोगे। ये बे बे बे। देखो ये उसकी मॉम का स्टफ है और your mother's stuff, यानी कैसेंड्रा का, वो इन दोनों की मदर का यानी कैसेंड्रा का लिखा हुआ जर्नल है और वो इसी के लिए काम करती थी। यस ये जानती थी इनकी मदर को। गन किनारे कर दे, बढ़िया। हो भाई अब लग रहा है कुछ सेफ है हम, लेकिन तू कैसे जानती थी मदर को इनकी? ओके एज आई थॉट वो इसके लिए काम करती थी और ये कलेक्टर है, तभी इसका घर एक म्यूजियम की तरह लग रहा है। Most brilliant historian I have ever met. तो यानी इन दोनों की मदर कोई छोटी मोटी नहीं थी, एक वो भी बहुत बड़ी खोजी थी। ओके गाइस पुलिस आ गई है और हमको यहाँ से निकलना है फटाफट। ओ भाई ये तो टूट गया, चल भाई जल्दी से निकल यहाँ से नेथन ड्रेक, वरना तू एक मुसीबत में पड़ जाएगा। चल 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 ऊपर चढ़ जा, और यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। सैम मेरा हाथ पकड़ यार तू, वरना मैं इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुँचूंगा। खींच ले खींच ले खींच ले। ठीक है भाई ऊपर तो आ गए, यहाँ पर तो पुलिस की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जल्दी से भागना पड़ेगा हमको। ओ भाई और पुलिस आ रही है क्या? यस भाई एक तीन तीन गाड़ियां आ गई हैं यार और वो हम ही को ढूंढ रहे हैं। चल भाई जल्दी से, और हम फ्रंट गेट से निकलेंगे। ओ भाई चल नीचे चल यार, कहाँ जा रहा है तू? चल 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 जल्दी से उतर जल्दी से। ओ भाई ये तो आहट हुई और पुलिस वालों ने लाइट दिखा दी। ओ भाई चल जल्दी से भाग वरना वो गोली चला देंगे। चल 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 जल्दी से नेट, इधर से भागना है हमको फटाफट, क्योंकि पुलिस वाले गोली चला सकते हैं हमको देख के। ओ भाई ये तो पीछे पड़ गए, हर तरफ से घेर लिया यार इन्होंने। ओ भाई इन्होंने तो हर तरफ से घेर लिया है हमें। ओ तेरी, ओके वो उधर सीढ़ियां हैं, उधर से भाग सकते हैं हम। चल 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 जल्दी से, और ओ भाई चल 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 भाग 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 जल्दी से, और चल चल भाई यार जैसे तैसे पुलिस से बचना है हमको। ओ भाई ये बस ये डर है कि ये गोली ना चला दे। ओ भाई पकड़ ले, ओ पकड़ ली। ओ तेरी एक गाड़ी और आ गई, हद है यार इतनी सारी पुलिस कैसे आ सकती है दो बच्चों के पीछे। ओके वो गेट खुला है, गेट से हम निकल सकते हैं। चल भाई भाग 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 नेट भाग, और अभी तो हम गेट के पास तक आ गए और यहां से हम कैसे चढ़ेंगे? सैम तुझे मुझे खींचना पड़ेगा। ओ थैंक गॉड, और गेट से एक बार बाहर आ जाए फिर नहीं पकड़ पाएंगे ये,
दे आर गेटिंग वे, तो यानी पुलिस वालों को भी पता है कि हमको इधर निकल गए तो नहीं पकड़ पाएंगे। चल बैठ जा फटाफट बाइक पे और निकलते हैं यहाँ से। बाइक बहुत सही जगह लगाई यार साहब तूने। ओ थैंक गॉड, बुढ़िया ने तो मरवा ही दिया था हमें बिल्कुल। ओके थैंक गॉड, जान बचा के हम यहाँ पे आए। और भाई क्या नज़ारा है, मतलब कि हर तरफ इतना बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स और एक नदी। आई से वी आर क्लियर, अब सांस ले सकते हैं यार। लेकिन सैम तूने तो यार बिल्कुल मरवा ही दिया था एक बार फिर से। वो ओल्ड लेडी जो थी ना उसने बहुत परेशान कर लिया मुझे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। थैंक गॉड दूसरी साइड में आज प्रेजेंट के दिन इसको होश आ गया नेथन को और एलिना हमारे साथ है। सैम ने तो बिल्कुल धोखा ही दे दिया मुझे, उसने बताया नहीं था पिछले पार्ट में कि ये हेक्टर अलसाजा और जो था वो पहले ही मर गया था और वो खजाना रेफ के कहने पे ढूंढ रहा था। ठीक है गाइस, और अभी फिलहाल सब कुछ ठीक है, एलिना हमारे साथ है, अपने सर का दर्द भी थोड़ा सही है और हम होश में भी आ चुके हैं। चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं, पढ़ेंगे अगले चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस देखते रहें वी गेमर्स और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। और गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और घंटा दबा दो ना यार वो जो सामने दिख रहा है। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, गुड लक, सब बखैर।